मिले अभी। माँ जी, पापा की मम्मी। माँ जी खोलेगी ये फोन। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी फिलहाल चल रही है दिवाली की साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया से, इसलिए अभी भाभी जो है डॉक्टर मास्क लगा के ऊपर चढ़ गई साफ सफाई करने के लिए। और क्या है, एक गाड़ी के पार्ट्स हैं अभी पड़े। बताओ गाड़ी के पार्ट्स, मैं ऑनलाइन मंगवाता रहता हूँ, इसमें डाल देते हैं। और भी सामान है क्या? और ये मेरे लैपटॉप का जो है बॉक्स था, ये भी रख देते हैं, गंदा हो रखा है। और भी सामान है क्या? अरे बाप रे, बहुत सामान है। एक सेकंड, मुझे लग रहा कि ये बेड पूरा, हाँ, डंपिंग एरिया बन गया पूरा बेड हमारा, तो यूज में नहीं आता तो सामान रख देते हैं सारे खाली बॉक्सेस वगैरह। तो कल मम्मी ने पर्दे वगैरह सब धो दिए थे और आज जो है बेड के ऊपर से सफाई चल रही है। ये पंखे भी साफ करने हैं, सारे काले हो रखे हैं भाई, जितने भी पंखे हैं ना घर के सारे व्हाइट कलर के हैं, तो इन पे इतनी बुरी वाली धूल जम रही है ना, तो ये भी साफ सफाई करनी है, तो बहुत सारा काम फैलेगा अभी। ये कुछ सामान अभी उतारा ही था थोड़ी देर पहले, और बाकी ये स्पीकर वगैरह पड़े हुए हैं, लैपटॉप का बॉक्स भी मेरा अंदर चला गया। ये मैंने कुछ गो मैकेनिक से सामान मंगाए थे कार के, तो ये उनके बॉक्सेज है खाली, ये भी ऊपर ही पड़े हुए थे तो जस्ट उतारे हैं अभी। लो ये वाली, ठीक है, डबल ले जाऊं? हाँ ये वाली बिछा दियो। सो गाइस, अभी काफी साफ सफाई तो हो गई है, बहुत बाकी है पर, क्योंकि कई दिन लग जाएंगे आप पूरी घर की साफ सफाई होने में। और अभी फिलहाल मैं भी नहा के रेडी हो गया था, और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम हो गई है यार हमारी साथ, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ेगा पास ही के एक गाँव जो अराउंड 10-12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बिकॉज कुछ दिन पहले काफी सारे फोन ऑर्डर किए थे जिसमें एक मम्मी का भी गिफ्ट था, तो भाई वो आया वड़ोद, हम देख रहे थे कि कल वो डिलीवर होने वाला था लेकिन वो डिलीवर ही नहीं हुआ भाई। फिर हमने आज हब पे पता किया, जो फ्लिपकार्ट का हब है वड़ोद में, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने वो जो फ्लिपकार्ट का पार्सल था वो पास के गाँव में भेज दिया, क्योंकि वो एड्रेस का कुछ पता नहीं क्या इशू हुआ, उन्हें क्या समझ में आया, एड्रेस में मतलब उस गांव का नाम आता है कि जो ये लिंक रोड है हमारी बाहर वाली, तो उस गांव का नाम आता है, और उन्होंने उस गांव को सोचा कि ये वहां जाना है और वहां पे भेज दिया भाई। और अब हमें हो गई है प्रॉब्लम, हमने बोला कि आप वापस मंगा लो, और वो बोले कि भैया रिटर्न तो हो जाएगा वो, लेकिन वो रिटर्न ऐसा होगा कि फ्लिपकार्ट के पास वापस जाएगा, ब्लॉक वापस नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप वहीं जाके ले लो। तो अभी जाना पड़ेगा यार, प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या करें अब, मजबूरी है। हमने बोला किसकी गलती है, कह रहे भैया पता नहीं गलती तो किसकी है, क्योंकि अब नाम लिखा हुआ है एड्रेस में गांव का, और कन्फ्यूजन हो गया तो चला गया अभी, तो अभी जाना पड़ेगा। तो अभी सुरापुर में जाएंगे, कार निकालते हैं, तो कार में ही चलेंगे क्योंकि 10-12 किलोमीटर दूर है यार, बाइक से जाना सेफ नहीं है, तो अभी कार निकालेंगे। पापा अंदर ही हैं, पापा निकालेंगे, पापा कार निकाल देते अब। मोटे का खरा है, मोटे का खरा क्यों, चलो अभी कार निकलवाते हैं। सूरभ भी आ गया, तू पहले से ही बैठ के बैठ गया गाड़ी में, है वे बाहर निकल जा, उतरो, धूल जम गई भाई इतने दिनों से खड़ी है। सॉरी है, चलो उतर जाओ, चलो चलो, बच गई बच गई। चलो भाई गेट बंद करते हैं, बच्चों हट जाओ चोट लग जाएगी। तू यहीं रह, यहीं रह, तू कहाँ जा रहा, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा काम नहीं है वहाँ, कहाँ घुस रहा तू, क्या रह गया, चलो भाई सोरिया के स्लीपर्स और वाटर बॉटल, अभी चलते हैं। सोरिया है चप्पल, पापा ने पता नहीं फिर क्यों दी, ले चल बॉटल रख ले अपने। सो गाइस, अभी फाइनली निकलते हैं और मम्मी का फोन लेके आते हैं भाई। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है किशनपुर फिलहाल, 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, बीच में एक टोल भी पड़ता है, तो वो तो शायद लोकल का ही है अपना टोल, तो वहाँ पे टोल तो नहीं भरना पड़ेगा, और बाकी जाके पता चलेगा अभी। सॉरी आप तो थार पीछे चोट लग जाएगी। अच्छा हुआ जिस गांव में हमारा पार्सल गया हुआ है वो मेन हाईवे पे ही पड़ता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, तो आराम से पहुंच जाएंगे, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे यहाँ से, 10-12 किलोमीटर ही है ना, तो आराम आराम से जा रहे हैं, क्योंकि सौरभ भी है साथ में।
में और सो रहे भी है, तो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। बातों की बातों में गांव का नाम बताना भूल गया, किशनपुर बिराल। तो अभी हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, मुश्किल से 600-700 मीटर रह गए बस। और हाँ पहुंच गए, तो सामने एक चौराहा पड़ेगा, उन्होंने बोला था कि वहां से लेफ्ट लेना है आपको। तो यही है क्या चौराहा? तो यही चौराहा है आई थिंक। थोड़ी पतली गली है भाई, पहली बार आ रहा हूँ मैं इस गांव में, मैं आज तक नहीं आया इस गांव में। चलो भाई फाइनली पहुंच तो गए हैं, वो रही सामने, चल सॉरी आओ आ जाओ। तो वो है उधर किशनपुर बिराल का भाई फ्लिपकार्ट डिलीवरी सेंटर, चले सो रिया आओ, चलो आराम से आओ। चलो इसकी आप डिलीवर कर दो सिस्टम में, हम रिसीव कर लेते हैं पार्सल। तो भाई ये पार्सल मिल गया था, तो इसके अंदर है फ़ोन, अभी लेके चलेंगे इसे भी। हाँ अम्मा का फ़ोन है, पकड़। हो गया भाई फाइनल, एक बार चलो खोल के देख ले इसे, खोल ले एक बार कि भाई फ़ोन तो है कम से कम इसके अंदर। दो दो बॉक्स है क्या? अच्छा एक ही है, सील पैक है ना, ठीक है टेम्पर्ड नहीं है। तो भाई ये रहा पोको M4 प्रो। अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर बाई चांस हम फोन ना करते आज, तो आप इसे सीधा रिटर्न कर देते? भाई कैंसिल मार देते, फोन भी नहीं करते हमारे पास? नहीं नहीं फोन नहीं होता। हाँ सीट पर चढ़ने के बाद में जब फोन कॉल करेगा तब नंबर आओगे हमारे पास, नंबर नहीं है कैसे कॉल करते जब सीट पर चढ़ेगा। अच्छा नंबर भी नहीं होता आपके पास? कुछ नहीं होता। अरे यार तो सीट पर तो चढ़ा तो सीट पर भाई हमारे रूट का नहीं होगा ना, ये भाई के रूट का नहीं है ना, इनके रूट से आउट हो गया ये। अभी हमारे यहाँ से आ रहा कोई भी कार चला रहा है दूसरे रूट का, तो हाँ कैसे चला जाएगा? सही बात है, सही बात है। वहाँ चले गए लेकर बाई चांस तो बड़ो थोड़ा ऑब्जेक्शन करेंगे हमारे रूट का कैसा। हाँ वो मिसमैच हो गया पूरा का पूरा, तो इस वजह से कैंसिल हुआ हमारा पिछला ऑर्डर भी। ठीक है भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत, एक बार हाँ फोटो खींच लेंगे भाई वेरिफिकेशन के लिए। जा भैया के साथ चला जा। हाँ भाई एक तो कैंसिल होगा, 6000 रुपए का नुकसान होगा। चलो सोरिया आओ चलते हैं, आओ सोरिया फोन लेगा ले ले। चलो भाई अभी फाइनली सोरे ने फोन ले लिया है, अभी घर पे चलते हैं। इधर खड़ी है अपनी कार, सोरिया हाथ दो, हाथ दे चोट लग जाएगी आराम से। चलो ले सौरभ तू लेके चलिए अब गाड़ी, सौरभ को भी थोड़ी बहुत अब प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करनी, डॉक्टर ने बता दिया कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करो, तो अब सौरभ लेके चलेगा गाड़ी। चलो आओ, चलो सौरिया। अरे सौरिया की चप्पल तो भाई यहीं रह गई, ले बैठ जा। चलो अभी घर चलते हैं भाई, मम्मी से अनबॉक्सिंग कराएंगे घर पे चल के, मम्मी के फोन की। ये अकेला ऐसा फोन है जिसने इतनी सारी मेहनत करा दी और इतना सारा वेट भी कराया, मतलब काफी दिनों से वेट कर रहे थे हम, और आज जाके भाई ये डिलीवर हुआ है, और बल्कि डिलीवर क्या आपने खुद आके लिया है ये। तो चलो भाई फाइनली हाथ में आ तो गया ये पोको का फोन, तो मम्मी के लिए ऑर्डर किया था ये। कहाँ है तू? ले पकड़, तू रख ले अपने पास। चल चलो अभी चलते हैं घर पे। फोन मत खोल दे अभी ये तो अभी खोलने पे लग गया, अभी मत खोलियो ठीक है, खोलने लग रहा था भाई ये, मैंने देख लिया वो तो। आओ सोरिया चप्पल कहाँ है तेरी? चप्पल तो उठा ले, ले लेके जा, बोतल इस पर टांगेगा, ले पकड़ अब। चलो अभी अंदर करवाते हैं गाड़ी। तू करेगा कर दे। चलो अभी बुलेट और बाइक भी अंदर खड़ी कर दिया, अभी चलते हैं अंदर। फोन कहाँ रख दिया सोरिया तूने? फोन कहाँ है? यहाँ रख दे तू ना फोन। मम्मी कहाँ है? क्या सोच रहा हूँ मैं, फोन जो है माँ जी से खुलवाते हैं, मम्मी की मम्मी माँ जी
पापा की मम्मी माँ जी खोलेगी ये फोन। मम्मी कहाँ है? सॉरी है, दे दे चाकू दे दे अम्मा को, तू भी खोल लेगा, दोनों मिलके खोल दो। ए केक कटिंग हो रही है। ओ सॉरी ने खोल दिया फोन। एक ये वाली खोल और एक ये वाली। नहीं 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 ऐसे नहीं खोलते, अम्मा खुलवाएगी, हाथ कटवा लेगा तू। ए बस 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 खुलिया 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 खुलिया। अब इसे ऐसा खोल, ऐसे ऊपर वो उठा बॉक्स को। ओए खुल गया सोरिया ये बीच में घुस गया था। चलो भाई खुल गया फाइनली पोको M4 Pro 128 GB। माँ जी खोल दे, तो खोल सोरे, तू डाल नीचे गिर देगा और कुछ नहीं। रुक जा एक मिनट, आफत मत मचा, यहाँ बैठ ऊपर आ जा। हाँ, खोल दे खोल दे खोल दे आराम से, बस खोल कर निकाल लो तो पन्नी बस। ये रहा भाई फोन। माँ जी देख कैसा है फोन। मम्मी देख फोन आ गया तेरा, जल्दी आ, अनबॉक्सिंग तो करनी, देख तो ले आके। मम्मी को इतना बोला अनबॉक्सिंग कर दे, लेकिन मम्मी कपड़े धोने में बिजी थे, देख लेके चल। सॉरी आराम से। कैसा है माँ जी फोन? बढ़िया भाई। ले सो गाइस ये है फोन पोको M4 Pro, काफ़ी प्रीमियम सा लग रहा है देखने में तो। और ये अच्छी बात है, इस पे जो है स्क्रीन पे केसिंग चढ़ी हुई है पहले से, तो हमें कुछ चढ़वाना ही पड़ेगा। बॉक्स में क्या क्या निकला है इसमें? साथ में बैक कवर। अच्छा बैक कवर भी है सिलिकॉन। अरे वाह, इन्होंने तो काम ही आसान कर दिया, बैक कवर भी दे दिया और चार्जर वगैरह कुछ है इसमें? एडेप्टर है डाटा के। अरे वाह भाई, चार्जर भी दिया है, 33 वॉट्स का चार्जर है, एडेप्टर साथ में दिया है, काफ़ी अच्छी बात है। और बॉक्स के अंदर है अपना USB केबल, तो अभी जैसे ये स्विच ऑन किया है तो अभी स्टार्ट हो जाएगा। देखो अभी ये फोन आया, देखो ठीक है क्या, हाथ में कैसा लग रहा लेके? पतला सही है, ज़्यादा अच्छा। मोटा भी नहीं है। MIUI इसमें पोको में MIUI आता है, MIUI 13 है इसके अंदर। सौरभ ये सेटअप करना पड़ेगा, ले सेटअप कर देगा मम्मी के लिए। चल सौरभ ने भी ये बॉक्स पैक कर दिया, नहीं तो ये सोरिया और गुड़िया सोरे। रुक जा भाई रुक जा, हाँ इसे कवर में डाल दे, उसने पता कहीं फेंक के मारे। कवर छोटा है क्या इसका, इतना टाइट क्यों आ रहा फिर? सिलिकॉन है ना, इतना टाइट कवर है तो उतरेगा भी नहीं। दिखाइए कवर, ये देखो गाइस कवर में कैसा लग रहा है फोन, ये सही लग रहा है। तो अभी मम्मी के फोन का सेटअप करते हैं भाई। मम्मी तो पता नहीं कपड़े धो रही है, तो बिजी है बहुत ज्यादा, बात भी नहीं सुन रही, इधर उधर लगी पड़ी है। तो अभी जल्दी सेटअप कर लेते हैं इसे, फिर मम्मी को दिखाएंगे फोन कैसा है, मम्मी को कैसा लगा। सो गाइस अभी फाइनली ये फोन पूरा सेटअप हो गया है एंड रेडी टू यूज हो गया है। मैंने जस्ट अभी इसका कैमरा चेक किया था, तो मैं कैमरा टेस्टिंग कर रहा था कि कैमरा कैसा है, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा, मतलब काफ़ी डिसेंट है, मतलब 11-12 हज़ार के हिसाब से ठीक है। जब सेल में आया था उस टाइम इतने का था, अभी लगभग 16 का हो गया, सेल ख़त्म हो गई है ना, तो मतलब डिसेंट है कैमरा। और 6 GB रैम है, 128 GB इसकी जो है खुद की मेमोरी है इंटरनल, तो ठीक है मम्मी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मम्मी को तो सिर्फ नाटक देखना है, तो मम्मी आज से जो है नए फ़ोन में नाटक देखेगी। तो अभी मम्मी को देते हैं वाला फ़ोन, देखते हैं मम्मी से पूछते हैं कैसा लग रहा है मम्मी को। मम्मी ठीक है, अब आज से मम्मी नए फ़ोन में नाटक देखेगी। लो इसने तो आते ही चब्बी मार दी फ़ोन पे, इससे बचा के रखे, फेंक फेंक के मारते सारे सामान ही। ठीक है कैसा लग रहा? सही है। हाँ सिम डलवा ली अपना, कहीं तुझे फ़ोन करना पड़े, आराम से कर लियो। ये अच्छा हो गया कि कवर इसका चारों कॉर्नर पे, अगर कोई बच्चा डाल भी देगा ना तो हाँ स्क्रीन नहीं फूटने के, मतलब स्टार लीड नहीं आई इसमें, चार्जर तो आया। एक चीज रह गई मम्मी के काम की, ईयरफोन्स नहीं आए इसके साथ, चार्जर तो आया है। ईयरफोन्स आ जाती तो मम्मी के लिए ठीक रहता। चलो एनीवेज भाई फोन के साथ चार्जर आ गया, वही काफी बड़ी बात है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कोई भी कंपनी प्रीफर नहीं करती चार्जर देना, तो इसके साथ तो फिर भी चार्जर आया है। और फोन काफी ठीक लगा, फर्स्ट लुक काफी अच्छा है फोन का, फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, ऑन स्क्रीन नहीं है साइड में है, तो ये बात बताने में भूल गया था। काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो, मम्मी के हिसाब से काफी अच्छा फोन है। और बाकी इसमें भी मम्मी के काम की एप्स इंस्टॉल करूंगा मैं, और ये ब्लॉग साथ के साथ एंड कर देते हैं, बिकॉज काफी लंबा हो गया है और कुछ है भी नहीं, तो मुझे बस फोन की अनबॉक्सिंग दिखानी थी जो मैंने दिखा दी है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, एंड गाइस आई होप कि आप लोग को आज का ब्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा आप लोग आज का ब्लॉग। तो आप लोग समझ नहीं लूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नहीं नहीं इसे चकुआ काम खत्म हो गया, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं खुलने लगे, ऐसे बस ऐसे उठा दे ऐसे ऊपर को।